माला पहनाते हुए रामलला। और ये ऐतिहासिक तस्वीर देखिए, सदियों से जिस राम जन्मभूमि में राम मंदिर के का इंतजार था, वो घड़ी इनके कार्यकाल में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रास्ता साफ हुआ। सरकार पर ये जिम्मेदारी थी कि वो ट्रस्ट बनाए, और 5 अगस्त की वो तारीख जब चुनी गई, और वो तारीख जब आज प्रधानमंत्री रामलला के सामने साष्टांग जमीन पर प्रणाम करते हुए और उसके बाद मूर्ति पूजन करते हुए, आरती करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर, पहले उन्होंने माल्यार्पण किया और उसके बाद वो इस वक्त आरती कर रहे हैं। ये भव्य नजारा है, क्योंकि इस वर्तमान को हम आने वाले वक्त में इतिहास के तौर पर देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से आज यहां पर भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा, शिला स्थापित करेंगे, और दूसरी तरफ जैसा कि हमने आपको बताया था, सबसे पहले रामलला के दर्शन करते हुए, पूजा करते हुए और परिक्रमा करते हुए जिस रामलला की मूर्ति को बरसों तक ताट के नीचे इंतजार करना पड़ा, आज से अभी से इतिहास बदल रहा है, और उस इतिहास में इस ऐतिहासिक लम्हे की गवाही आप भी दे रहे हैं आज तक के जरिए। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं, उन्होंने पहले प्रणाम किया, जिसके बाद पूजा, आरती, परिक्रमा, और उसके बाद शीश नवाकर वो यहां से आगे बढ़ रहे हैं। दक्षिणा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर, हर किसी का अपना योगदान रहा है राम जन्मभूमि में, इस राम मंदिर के निर्माण में, और हर जगह पर सैनिटाइजर भी रखा हुआ आपको दिखाई दे देता है, और दक्षिणा भी प्रधानमंत्री ने दिया। हर तरह के रीति का, हर तरह के विधि विधान का वो सम्मान करते हुए, पहले उन्होंने किसी आम राम भक्त की तरह वहां पर साष्टांग प्रणाम किया, पूजा की, आरती उतारी, परिक्रमा करने के बाद वो दक्षिणा देकर वहां से अब निकल रहे हैं। और यहीं पर बताया जा रहा है कि वो अब राम जन्मभूमि परिसर में ही पारिजात का पौधा लगाएंगे, और इसके बाद वो उस जगह पर जाएंगे जहां पर उन्हें पूजा करनी है। ये देखिए, अब हम आपको दिखा रहे हैं वो पारिजात का पौधा जो प्रधानमंत्री लगा रहे हैं। इस वृक्ष को लेकर कई हिंदू मान्यताएं हैं, कहा जाता है कि धन की देवी लक्ष्मी को पारिजात के फूल अत्यंत प्रिय है। पूजा पाठ के दौरान माँ लक्ष्मी को ये फूल चढ़ाने में प्रसन्न होती है। खास बात यह है कि पूजा पाठ में पारिजात के वे ही फूल इस्तेमाल किए जाते हैं जो वृक्ष से टूट कर गिर जाते हैं। आपको बता दें, प्रधानमंत्री इसको एक अलग विधि से भी लगा रहे हैं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री ने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि पौधों को लगाने के अलग अलग तरीके हैं। नरेंद्र मोदी ने बताया कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पौधा लगाने के लिए आपको एक घड़ा लेने की जरूरत है, और उसी वृक्षारोपण के तरीके से वो आज यहाँ पर पौधा लगा रहे हैं। ये देखिए, ये जो बगल में आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक मटका है, और मटका में पानी रखा जाता है। इस मटके को पौधे के समानांतर ही जमीन खोदकर नीचे डाल दिया जाता है, और उसकी जड़ें जो है वो वहाँ तक पहुँचती हैं। घड़ा मिट्टी के नीचे पौधे की जड़ के आसपास है। इस घड़े में पूरा पानी भर दिया जाता है और फिर घड़े का मुंह ढक दिया जाता है। इसी की बातचीत भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो पारिजात का ये पौधा जो बहुत ही शुभ माना जाता है हिंदू मान्यताओं में, बगल में उसके ये तरीका है। तो कैसे साइंस और हिंदू मान्यताओं को जोड़ा जाए, उसका एक प्रतिबिंब आप देख रहे हैं, क्योंकि ये घड़ा जो है वो, उसकी जो जड़ें हैं पारिजात के पौधे की, वो बिल्कुल समानांतर होती है, और ढक्कन लगा दिया जाता है पानी भरने के बाद, और यहीं से अब प्रधानमंत्री पारिजात के इस पौधे को लगाने के बाद आगे बढ़ेंगे। ये माना जाता है कि इस तरह का पौधा लगाना बहुत शुभ है। हालांकि पीएम हमेशा ही पौधों के वृक्षारोपण को लेकर बहुत सक्रिय रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उस दौरान उन्होंने कर्म जो वर्षा वाले क्षेत्र हैं उनमें सोशल मीडिया पर कई बार वो जानकारी देते रहते थे कि कैसे वृक्षारोपण होना चाहिए, लेकिन आज पारिजात का पौधा प्रधानमंत्री यहां पर लगा रहे हैं, और वही नज़ारा आपने देखा है। यहीं के बाद अब वो राम जन्मभूमि जाएंगे, जहां पर
पूजा होनी है। एक बार फिर से तमाम जो सैनिटाइजेशन साफ सफाई का कार्यक्रम, और इधर दूसरी तरफ आप देख रहे हैं तमाम लोग मौजूद हैं जिन्हें आमंत्रण के जरिए वहां पर बुलाया गया है, वो सभी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए उचित दूरी बनाकर वहां पर बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने पारिजात के इस पौधे को लेकर और किस तरह से ये वृक्षारोपण हो इस पर काफी रुचि दिखाई, और उन्होंने लोगों को अक्सर समझाया कि ये घड़ा जो आप लगाते हैं उसमें छेद करने की भी जरूरत नहीं है, वो पानी धीरे धीरे रिस कर चला जाता है और घड़े में सिर्फ